लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है या रैली है आप ही तय कीजिए इन तस्वीरों को देखकर। तो ये कथित जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किस तरह से वहां पर हजारों की भीड़ जुटाई गई है वो आप देखिए इन तस्वीरों में। हजारों की भीड़ आपको नजर आएगी और कोरोना नियमों की धज्जियां यहां पर खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह की जनसभा, रैली या फिर नुक्कड़ सभा, पद यात्रा, बाइक रैली सभी पर पाबंदी लगा दी गई थी 15 जनवरी तक, और आज 14 जनवरी है, यानी कि नियमों का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है वो आप देखिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य, जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, उनको यहां पर मंच पर बुलाया गया, उन्होंने सदस्यता भी यहां पर हासिल कर ली। लेकिन ये आप देखिए, मंच पर लिखा हुआ है वर्चुअल रैली। अब वर्चुअल रैली के नाम पर हजारों की भीड़ वहां पर जुटाई गई है, और किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां वहां पर सरेआम उड़ाई जा रही हैं वो आप इन तस्वीरों में देखिए। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मास्क लगाए गए हैं चेहरों पर, जैसे पहने जाने चाहिए वैसे नहीं पहने गए हैं। ये देखिए आप, चेहरे आपको बहुत से ऐसे नजर आ जाएंगे जहां पर मास्क पहना ही नहीं गया है, और मास्क पहना हुआ है तो वो ठीक ढंग से नहीं पहना गया है। जो रैलियों पर रोक लगाई गई थी उसका मकसद ये था कि जिस तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसको रोका जाए, वो और न फैले, ये मकसद था रैलियों पर रोक लगाने का। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर ये हजारों की भीड़ वहां पर जुटाई गई है, एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कि ऐसे बहुत से नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये सदस्यता वर्चुअल तरीके से भी हो सकती थी, लेकिन वैसे नहीं किया गया। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। या देखिए जो चेहरे इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे हैं बिना मास्क के, और ये शक्ति प्रदर्शन किस तरह से ये एक दूसरे के हाथ थामे हुए। लेकिन एक जो कॉमन फैक्टर आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा वो ये कि इनके चेहरों पर मास्क नहीं है। तो कोरोना नियमों का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, और जो चुनाव आयोग की ओर से बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनकी अवहेलना की जा रही है, उनकी अनदेखी की जा रही है। तो बेहद उत्साहित समाजवादी पार्टी कि एक के बाद एक बीजेपी के जो बड़े चेहरे कैबिनेट मंत्री अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा जोश है। लेकिन इस जोश में लगता है होश खो दिया है समाजवादी पार्टी ने। ये चेहरे आपको जो नजर आ रहे हैं, अब अखिलेश यादव हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी के और कार्यकर्ता जो भीड़ में भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो मंच पर हैं या फिर सामने बैठे हुए हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है। अगर मास्क पहना भी हुआ है तो ठीक ढंग से नहीं पहना गया है। तो चुनाव आयोग के आदेश के उल्लंघन की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर। समाजवादी पार्टी के अब मंच पर लिखा तो है वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ये वर्चुअल ना होकर अब ये रियल हो चुकी है, फिजिकल हो चुकी है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन तस्वीरों में आप ही देखकर बताइए किस हद तक हो रहा है। आचार संहिता लागू हुई थी 8 जनवरी को, और प्रेस वार्ता में किस तरह से यह भारी भीड़ जुटाई गई है वो आपके सामने है। 15 जनवरी तक बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे चुनाव आयोग की ओर से, भीड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बाइक रैली हो, पद यात्रा हो, रैलियां हो, जो हम आमतौर पर चुनावों के दौरान देखते हैं, उन सब पर रोक लगा दी गई थी, और उसका मकसद यही था कि संक्रमण फैलना नहीं चाहिए। और हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर चुनावी राज्यों में, तो ये संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है, क्योंकि जब से ये चुनाव आचार संहिता लागू हुई और चुनाव आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उससे पहले भी कई रैलियां हो चुकी थी, और उस वक्त ये संक्रमण काफी हद तक फैल चुका था। और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की थी, और उसके बाद ये गाइडलाइंस जारी की गई थी कि बहुत ही सतर्क रहना है नेताओं को इन चुनावी राज्यों में कि ये संक्रमण नहीं फैलना चाहिए। लेकिन ये नेता हैं और यही पार्टी है, और अगर ये सरकार बनाती है तो देखिए आप किस तरह से नियमों की अनदेखी हो रही है। आप जनता से कहते हैं कि कोरोना संक्रमण रोकना आपकी जिम्मेदारी है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है,
लेकिन जब देश के नेतागण ही इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, तो क्या संदेश आप देश की जनता को दे रहे हैं, देश के वोटर को दे रहे हैं? ये तस्वीर ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो कोरोना को लेकर सभी को संयम बरतना चाहिए, लेकिन ये संयम बरतते हुए ये राजनेता ही नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना नियमों की जमकर ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंच पर आप देख रहे हैं ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है या ये रैली है, ये आप ही बताइए इन तस्वीरों को देखकर। तो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है कि एक 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 करके किस तरह से जो बीजेपी के नेता हैं वो दामन छोड़ते जा रहे हैं, बीजेपी का समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और ये जो शामिल हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं वो आपके सामने है। आज उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, आप 5 साल इंतजार क्यों किए उसी को बता रहा हूं। यहां पर इतना जुल्म जाती है, अत्याचार अन्याय हो रहा था, लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना, गोरखपुर की घटना के साथ साथ 2 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जहां FIR लिखने में आपने हीलावाली किया, और साथ ही साथ जहां गोरखपुर 1.5 महीने के अंदर गगहा थाने में 7 हत्या हुई, 5वीं हत्या हुई तो मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। मैंने बल्कि ने कहा भी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, लेकिन गगहा और गोरखपुर में गुंडा राज है, मंत्री रहते मैंने कहा था। यद्यपि कुछ टीवी वालों ने चलाया 1-2 बार, ऊपर से रोक दिया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी थानेदार नहीं हटाया गया और सीओ नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि वो जोगी बाबा की बिरादरी वाला था। और मेरे लौटने के बाद जब 2 हत्या और हो गई, यानी 7 हत्या पूरा हो गया, तब जाकर के यशो हटाया गया और सीओ हटाया गया। गगहा गोरखपुर, गगहा बाजार भी है, गगहा थाना भी है, गोरखपुर से 25-30 किलोमीटर आजमगढ़ वाली रोड पर है। यानी 2 मौर्या मारे गए थे, 2 ब्राह्मण मारे गए थे, 1-2 बनिया मारे गए थे और 1 अज्ञात महिला की लाश मिली थी। ये 7 हत्याएं, 2 मौर्या, 2 ब्राह्मण और 2 बनिया और 1 अज्ञात महिला की लाश। ये 1 महीना 5-6 दिन के अंदर की सारी घटनाएं। और कहते हैं कानून राज है, और साथ ही साथ मैंने सोचा था कि 14 साल वनवास झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला है, अकल ठिकाने हो गया होगा, गरीबों दलितों पिछड़ों के लिए काम करेगी, लेकिन फिर वही कि जिन दलितों पिछड़ों गरीबों के वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एक एक करके उन्हीं को दफनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कह देना चाहता हूं, 14 जनवरी का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर खटे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं
साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भले न बनाई हो लेकिन किसी भी पार्टी से हैसियत कम नहीं रखते हैं, उनके पास जनाधार की कमी नहीं है। आज हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हाथ इसलिए मिलाया कि अखिलेश यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नई ऊर्जा है। मैं प्रदेश के लाखों लाख करोड़ लोगों का हजूम आपके नेतृत्व के साथ खाकर भारतीय जनता पार्टी को नष्टाबोध करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ मैं यह भी चुनौती देता हूं जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं यता पता नहीं रहता है। तो चुनौती दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और ये भी कह रहे हैं कि आंधी आएगी, सुनामी आएगी और बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा पर खच्चे उड़ जाएंगे। गरीबों, पिछड़ों, दलितों, बेरोजगारों की उपेक्षा की योगी सरकार ने, ये बात वो लगातार दोहरा रहे हैं और आज मंच से भी उन्होंने यही बात दोहराई कि पर खच्चे उड़ जाएंगे योगी सरकार के, बीजेपी के, और सुनामी आने वाली है, आंधी आने वाली है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये सदस्यता हासिल करनी थी, समाजवादी पार्टी में जाना था, ठीक है ये उनका फैसला है, लेकिन ये आप देख रहे हैं किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और हजारों की भीड़ जुटाई गई है, वो भी ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और चुनाव आयोग की ओर से बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि कोरोना के जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन ये तस्वीर यहां पर हकीकत बयां कर रही है किस तरह से सरेआम उल्लंघन किए जा रहे हैं कोरोना नियमों के। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।